हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। श्याम रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल शानदार, सॉफ्ट, मुलायम, एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू नारियल के, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। बनने में उतने ही आसान है, बिल्कुल 10 मिनट में बन करके रेडी हो जाएंगे। और रक्षाबंधन आ रहा है तो आप स्पेशल बना करके रेडी कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनेंगे, बहुत कम सामान में बनेंगे। चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। 2 से 2.5 चम्मच लेंगे हम देसी घी, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। 2.5 चम्मच ही हमने घी लिया है। और उसके बाद में हम लेंगे 2 कटोरी डेसिकेटेड नारियल। अगर आपके ये कहीं पे भी आपको दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, अगर आपके पास सूखा वाला नारियल नहीं है तो आप घर पे कोई भी नारियल रखा हो या तो बाहर से भी लाते हो तो गीला वाला नारियल, उसका छिलका उतार के उसको मिक्सी में पीस के उसके भी लड्डू बना सकते हैं। इसको बस हम 2 मिनट तक ही हल्की आँच पर भूनेंगे। देखिए धीमी धीमी आँच पर, इसका बिल्कुल हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस खुशबू आने लगे वहाँ तक ही भूनना है। थोड़ा सा ये अपना जो है तेल रिलीज़ कर दे जब तक। और 2 मिनट भूनने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैं इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए इसमें 1 बड़ा गिलास दूध का और साथ में जो दूध पे मलाई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और अगर आपको मिल्क पाउडर डालना है तो दूध की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं। और मिल्क पाउडर डालने के बाद में ये टाइम भी इसमें कम लगेगा बिल्कुल पकने में, और दूध में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। दूध में उबाल आ गया था, अब साथ में ही हम 1/2 कटोरी के करीब डाल देंगे इसमें चीनी। मीठा आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको बिल्कुल दूध सूखने तक इसको पकाएंगे। चीनी बीच में ही डाल लें, अगर पूरा दूध सूखने के बाद में चीनी डालेंगे तो चीनी भी फिर अपना पानी छोड़ती है, तो बाद में भी फिर इतना ही टाइम लग जाता है इसको पकाने में। ये देखिए ये दूध मैक्सिमम सूख करके रेडी हो गया है, बस 2 मिनट और लगेंगे इसको पकने में। पूरा दूध जब तक नहीं सूख जाता जब तक हमें पकाना है, क्योंकि हम इसके लड्डू बना रहे हैं। ये देखिए पूरा दूध इसमें सूख गया है, कढ़ाई भी छोड़ दी है बिल्कुल इसने बढ़िया सी, और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। कोई फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि नारियल का अपना ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। अगर आपको फिर भी डालना है तो आप इसमें इलायची का पाउडर या तो रोज़ वाटर, कैवड़ा वाटर, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। ये देखिए इसको ठंडा कर लिया है हमने 10-15 मिनट के बाद में, हल्का सा ही गर्म है बस। अब इसके लड्डू हम आसानी से बना सकते हैं। अब इस बनाएंगे हम लड्डू, और थोड़ा सा ले लेंगे हम सूखा नारियल का बुरादा और, ताकि ऊपर से भी लपेटें हम इस पर, देखने में भी अच्छा लगता है, टैटू से लगते हैं और एकदम से हलवाई के जैसे भी लगेंगे देखने में भी। तो लड्डू आप अपने हिसाब से बड़े छोटे साइज़ के जैसे भी आपको बांधना वैसे बांध सकते हैं। ये इतने आसानी से बन जाते हैं, इनको दबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसे हाथ में लेके मिक्सर को गोल गोल घुमाएंगे तो लड्डू बन करके रेडी हो जाएगा आपका। ये देखिए बड़े आसानी से ये बन गया है। अब इसके ऊपर हम लपेटेंगे सूखा वाला नारियल, उसको लपेट के भी एक बार बस हाथ पे रख के थोड़ा सा हल्के से गोल गोल घुमा देंगे तो ये हमारा जो लड्डू है बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए कितना बढ़िया लड्डू बना है, कितना ऐसे लग रहा है कि अभी उठाओ और खा लो इसको। आप बना करके जब खाओगे ना तब पता चलेगा, बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनते हैं। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है ये लड्डू। ये देखिए इतना बढ़िया लड्डू है, बिल्कुल ही कम सामान में, कम टाइम में। जब भी आप बनाओ तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये लड्डू कैसे लगे खाने के बाद में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय श्री श्याम, धन्यवाद।